आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से रानी ईजेबेल की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको पहले व दूसरे राजाओं की पुस्तक में मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए प्रियो, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये उस समय की बात है जब इज़राइल में आहाब नाम का राजा राज्य करता था और वह राजा यहोवा की नज़र में बुरे कर्म किया करता था, जबकि वह यहूदा के गोत्र का एक इज़राइली था। उसने एक अन्य जाति स्त्री ईजेबेल से विवाह किया। ईजेबेल यहोवा के विरुद्ध थी तथा बाल देवता की उपासना करती थी, और जब आहाब राजा ने उस स्त्री से विवाह किया तब वह इज़राइल की रानी बनी, और ईजेबेल के साथ साथ राजा आहाब भी यहोवा को छोड़ बाल देवता ही की उपासना करने लगा। और यह रानी ईजेबेल इज़राइल के सभी नबियों से नफरत किया करती थी, क्योंकि वह सब नबी यहोवा को ही मानते थे। और यही नहीं, बल्कि रानी ईजेबेल उन सब नबियों को जो यहोवा की उपासना किया करते थे उनकी उपासना में रुकावट भी डालती थी और उन्हें मरवा भी डालती थी। रानी ईजेबेल की आत्मा एक बुरी दुष्ट आत्मा थी जो यहोवा के सारे नबियों को घात पहुँचाती थी। उसी समय वहाँ एलिया नबी भी यहोवा का कार्य करता था। जब एलिया नबी ने बाल के पुजारियों को स्वर्ग से आग उतारकर यहोवा के सामने झुकाया, फिर जब रानी ईजेबेल को यह से पता चला कि एलिया ने उसके बाल देवता को झूठा साबित कर दिया है, तब ईजेबेल ने एलिया नबी को मारने के लिए अपने दूतों को भेजा। जब एलिया को यह बात पता चली तो वह होरेब पर्वत पर एक गुफा में जाकर छिप गया, क्योंकि ईजेबेल पहले भी परमेश्वर यहोवा के कई नबियों को मरवा चुकी थी। बाइबल ऐसा भी दर्शाती है प्रियो कि ईजेबेल का श्रृंगार बहुत ही भड़काऊ और घृणित होता था। उसका श्रृंगार दूसरों को आकर्षित करने वाला होता था। ईजेबेल को जो चीज़ पसंद आती थी वह उसे लेकर ही मानती थी। एक दिन उसका पति राजा आहाब नाबोत का खेत खरीदना चाहता था, परंतु नाबोत ने वह खेत बेचने से इनकार कर दिया। तो रानी ईजेबेल ने झूठ बोलकर नाबोत पर आरोप लगाया और उसे मरवा डाला, और वह खेत हड़प कर राजा आहाब को दे दिया। इस प्रकार की आत्मा रानी ईजेबेल के जीवन में काम करती थी, झूठ की, वासना की तथा विरोध की। इस प्रकार की दुष्ट आत्मा आज भी कई लोगों के जीवन में कार्य कर रही है। बाइबल हमें अच्छे और बुरे दोनों चरित्रों के बारे में बताती है, जिससे हम अपने जीवन में सही बातों का निर्णय ले सकें। इसलिए प्रियो, हमें ईजेबेल के जीवन चरित्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी अपने आप को इस प्रकार की आत्मा से बचा कर रख सकें। रानी ईजेबेल बाल देवता की उपासना किया करती थी तथा इज़राइल के लोगों से भी अपने बाल देवता की उपासना करवाकर पाप करवाती थी, अर्थात यहोवा को छोड़ झूठे ईश्वरों की उपासना करवाती थी और बलि भी चढ़वाती थी। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार ईजेबेल की आत्मा आज भी लोगों के जीवन में काम कर रही है। यह ज़रूरी नहीं है कि यह आत्मा सिर्फ महिलाओं में ही काम करे, बल्कि वह महिलाओं और पुरुषों दोनों में काम करती है। यह एक बहुत ही बुरी दुष्ट आत्मा के रूप में कलीसियाओं में भी काम कर रही है। ज़्यादातर यह आत्मा परमेश्वर के दासों को सताने के लिए भी काम करती है। आज हम देखते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर प्रभु के दासों को सताया ना जा रहा हो। विरोध की आत्मा ईजेबेल की आत्मा ही है। उस समय भी उसने परमेश्वर के नबियों को ना सिर्फ सताया बल्कि मरवा भी डाला। वैसे ही आज यह आत्मा कई प्रकार से प्रभु के लोगों के विरोध में काम कर रही है। इसके साथ ही रानी ईजेबेल का श्रृंगार एक भड़काऊ श्रृंगार था। वैसा ही श्रृंगार हम आज के आधुनिक समय में देख रहे हैं। यह भी एक दुष्ट आत्मा है। बाइबल में महिलाओं के लिए कभी भी ऐसे भड़काऊ और आकर्षित करने वाले श्रृंगार के विषय में नहीं कहा गया है। बाइबल के अनुसार हमें हमेशा सादा ही श्रृंगार करना चाहिए। महिलाओं की सुंदरता शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक होना चाहिए।
जैसे कि पहला पत्रस 3:3-4 वचन में लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारी बाहरी सुंदरता को नहीं परंतु हमारी आंतरिक सुंदरता को चाहता है। इजेबेल का सबसे महत्वपूर्ण काम है विश्वासियों को भटकाना और उनके अंदर वासना उत्पन्न करवाना तथा परमेश्वर के दास और दासियों को झूठे आरोपों में फंसाना। यहाँ हमें इजेबेल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम विश्वासियों को यह पता होना चाहिए कि हमारा आत्मिक युद्ध किस प्रकार की आत्मा से है। इजेबेल का जिक्र प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 2:20 में भी किया गया है, जहां प्रभु यीशु बताते हैं कि कैसे इजेबेल अपने आप को महान बताती है तथा किस प्रकार वह परमेश्वर के दासों को व्यभिचार में और मूर्तों के आगे चढ़ाए हुए बलिदानों को खाने के लिए भरमाती है। इजेबेल बहुत ही खूबसूरत थी तथा अपनी इसी खूबसूरती का फायदा उठाकर वह लोगों को व्यभिचार के लिए उकसाती भी थी तथा वह अपने आप के सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। इस प्रकार की आत्मा आज भी कलीसियाओं में काम कर रही है। इजेबेल की आत्मा झूठी बदनामी करने में माहिर होती है, जो झूठ बोलकर परमेश्वर के दास और दासियों को भरमाती तथा फंसाती है। प्रियो, आज कलीसियाओं में इजेबेल की आत्मा का काम बढ़ता ही जा रहा है। भड़काऊ श्रृंगार से लेकर झूठे आरोपों तक हम उसके प्रभाव को देखते हैं। हम विश्वासियों को चाहिए कि हम ऐसी आत्मा का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। प्रियो, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम बुद्धिमत्ता के साथ उसका सामना कर सकें। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि आज हम इजेबेल के चरित्र के बारे में जानें, ताकि हम विश्वासी इससे बच पाएं और इसके चंगुल में ना फंस पाएं। ध्यान रहे प्रियो कि हमें ज़्यादा आकर्षित करने वाले श्रृंगार नहीं करना चाहिए। यह आत्मा फैशन के द्वारा हम में प्रवेश करना चाहती है, हम इसको मौका ना दें। इसके साथ ही हमें झूठ बोलकर किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह इजेबेल की ही दुष्ट आत्मा है जो हमसे इस प्रकार का कार्य करवा रही है, जो हमें नाश करना चाहती है। स्त्रियों का श्रृंगार बहुत सुंदर और सादगी से भरा हुआ होना चाहिए, जैसे बाइबल में बताया गया है। इजेबेल की आत्मा आज बॉलीवुड और हॉलीवुड में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इसके साथ ही इसका प्रभाव कलीसियाओं में भी देखने को मिल रहा है। आज कलीसियाओं में स्त्रियां फैशन के अनुसार कपड़े पहनना, श्रृंगार करना पसंद करती हैं। जो ट्रेंड में होता है, जिसका चलन सबसे ज़्यादा होता है, वैसे ही श्रृंगार करना और वैसे ही फैशनेबल ड्रेस पहनना मसीही महिलाओं को बहुत पसंद आता है। और आजकल तो हम देखते हैं प्रियो कि महिलाओं के बाल फैशन के चलते रंग बिरंगे हो गए हैं। ध्यान दे प्रियो, ये इजेबेल की ही दुष्ट आत्मा है। इजेबेल यह कोई कैरेक्टर नहीं, बल्कि यह एक स्पिरिट है जो आज मसीही जवान युवक और युवतियों में सबसे ज़्यादा काम कर रही है। कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं हुए? अगर ऐसा है तो प्रभु आज आपको इस स्पिरिट से छुड़ाना चाहता है। प्रभु आपको आज़ाद करना चाहता है, ताकि आप शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं परंतु हमारे शुद्ध मन को पसंद करता है। रानी इजेबेल का अंत भी वैसा ही हुआ जैसे परमेश्वर के दास एलिया नबी ने भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि इज़राइल के किले के पास इजेबेल को कुत्ते खा जाएंगे। तो प्रियो, ऐसा ही हुआ। जब रानी इजेबेल खिड़की के पास बैठकर अपने आँखों में सुरमा लगा रही थी और अपने बाल संवार रही थी, तभी उसके पास खड़े हुए लोगों ने उसे नीचे गिरा दिया, जिससे उसके खून के छींटे किले की दीवार पर भी आए और उसका शरीर घोड़ों के द्वारा रौंदा गया और उसकी लोथ को कुत्ते खाने लगे।
जब लोग उसको मिट्टी देने के लिए आए तब उसकी खोपड़ी, हथेली और पांव के अलावा कुछ भी न पाया। इस प्रकार उसका अंत हुआ जैसा प्रभु यहोवा ने अपने दास के द्वारा कहलवाया था। प्रियो, बुरे लोगों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इजेबेल की कहानी में हमने देखा कि उसका जीवन कैसा था। परमेश्वर इस प्रकार की दुष्ट आत्माओं का अंत बुरा ही करेगा, परंतु हमें इजेबेल की दुष्ट आत्माओं को जानना बहुत ज़रूरी है जिससे हम उसे पहचान कर बच सके। प्रियो, मैंने इजेबेल की कहानी के बारे में विस्तार से आपको इसलिए बताया क्योंकि यह दुष्ट आत्मा आज भी काम कर रही है। जैसे वासना, धोखा, झूठ, व्यभिचार, अपनी बड़ाई करना तथा कलीसियाओं में झूठ तथा पाप फैलाना, घृणित श्रृंगार करना, यह उसकी एक पहचान है। ध्यान रखें प्रियो कि हम मसीहियों को जो प्रभु के कीमती लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, इन सारी बातों से दूर रहना है क्योंकि प्रभु ने हमें इन सब से छुड़ाने के लिए ही अपना लहू बहाया है। जैसा इफिसियों की पत्री 1:7 में लिखा है कि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इसके साथ ही प्रियो, हम विश्वासियों को किसी अविश्वासी से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करके विश्वासी उनके झूठे धर्म में फंसकर उसकी उपासना भी करने लग जाता है जिसके कारण उनके जीवन व परिवार का नाश हो जाता है। जैसे आहाब राजा ने इजरायली होते हुए भी अन्य जाति स्त्री इजेबेल से विवाह किया और बाल देवता की उपासना शुरू कर दिया जो कि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अपराध था तथा उसका अंत भी इजेबेल की तरह ही हुआ। तो हमें ध्यान देना चाहिए प्रियो कि एक मसीह विश्वासी होने के नाते हमारा चाल चलन, हमारा श्रृंगार किस प्रकार का है। हमें सदा परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरे रखना चाहिए जिससे हम हर एक दुष्ट आत्मा के घेराव से बच सके। आशा करती हूँ प्रियो, रानी इजेबेल का संक्षिप्त विवरण आपको समझ में आया होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसकी स्पिरिट को अपने ऊपर हावी ना होने दे, उसका सामना करें। प्रभु आपको ज़रूर विजय देगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।